ये देखिए इतना मेस हुआ हुआ है पूरे रूम में। तो जो है अब मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई हुई है। मासी जो है वो मैडम है, वो आई नहीं है आज। तो मैं कहा चलो मैं रूम के लिए सफाई। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूम सारा साफ कर दिया, कर देती है। बस अभी जाएंगे हम नहा कर इंशाल्लाह। कैंट जाना है मैंने, कैंट जाके मैंने टेलर को कपड़े देने हैं और बेडशीट्स लूँगी दो तीन। और क्या लेना है मैंने, यस रिंग लाइट लेनी है। मिलते हैं फिर, मैं बात ले लूँ तब तक। सी या जी। बिरयानी की पकने की तैयारी। और यहाँ पे मैं डालूँगी चावल, ये बन गया मसाला। ये मैंने चीज़ें काट के रखी हैं इसके लिए, जिस जिसको खानी है बिरयानी वो आ जाए। चटनी बन गई, बिरयानी का भी दम जो है वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी जो है वो मेरी रेडी होगी भी है, बहुत मज़े की। कह रहे हैं फिर देखें इतने मज़े का कलर आया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपको अपनी स्पेशल बिरयानी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इतनी कोई टेस्टी होती है ना मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। तो ये प्लेट है, आप लोग भी खा सकते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें। आप लोगों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरी फैमिली में ना आप मेरी बिरयानी बहुत फेमस है, तो सबको बहुत पसंद आती है। मम्मा ने राइस बना लिए, सालन बना लिया और मैंने सेवी भी कर ली। सो अब हम जा रहे हैं मेरी गोल की रिंग में। सो फाइनली अच्छा हम अब आ गए हैं चेज़ वैल्यू। बशायम की रिंग लेनी थी बट बहुत देर हो गई ना, तो मैंने कहा कि चलो पहले शॉपिंग कर लेते हैं, ये ना चेज़ वैल्यू जो है वो बंद हो जाए। तो मैं चेज़ वैल्यू आई, मुझे बहुत कमाल की यहाँ पे चीज़ें लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने हलीमा के लिए, ये मैं, ये देखिए मम्मा मम्मी कह रही है अम्मी ये तो मेरे हुए गए ना, ये ना भी रखे, ये मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत ये टॉप पीछे है, पीछे टू ये ले रही है, ये अच्छे पाला भी, पाला से भी कहेंगे इधर से ले लें। हाँ जी, मैंने ये ट्राउजर्स और ये कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने ये चेज़ वैल्यू से बाय कर ली थी। बड़ी मज़े मज़े की बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। डू विज़िट चेज़ वैल्यू, यहाँ पे हर किस्म की, हर पैसे की वैरायटी जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे भी बड़े सस्ता सा ये ट्राउज़र, बड़े मज़े की फंकी ज्वेलरी मुझे मिल गई यहाँ से, बड़े अच्छे और रीज़नेबल रेट्स पे। अब हमने अपना चीजें ले ली, इसमें हम दोनों की चीजें हैं और अब हम खाएंगे बाय आइसक्रीम। सो आफ्टर दैट वी आर हियर एट बाबा आइसक्रीम, केंट में बहुत ही शदीद मशहूर है। ये बी टूटी फ्रूटी, अच्छा आजकल मेडिसिन इतनी कंपलसरी हो, क्योंकि हर किसी को आजकल मेडिसिन चाहिए। तो यहाँ पे मुशायम जो थी वो उतरी थी मेडिसिन लेने के लिए, वो तो वेरी फर्स्ट टाइम आपके सबके सामने ही होता है, मैं उसे कभी अकेले नहीं भेजती। इवन दो मैं उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन मेरे दिल को फिर भी डर लग रहा था कि वो मेरी बेटी जो वो अकेले दवाई लेने के लिए गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। सो आज के व्लॉग में आपको मेरा मुंह तो फर्स्ट ऑफ ऑल उतरा हुआ देख रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई कि मुझे बहुत फ्लू है और आई कांट ब्रीद एज यू नो। और जैसे कि आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखा था कि हम गए थे चीज वैल्यू और हम बहुत सारी ज्वेलरी लाए थे, बिकॉज मम्मा एंड आई लव चीज वैल्यू ज्वेलरी, लव इस, इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। बट बस इसे बैठी हुई हूँ, चलो दिखाएं फिर हम आपको। मम्मा का ये तो इग्नोर करेगी।
चेज वैल्यू से लिया था अनबिलीवेबल प्राइस. इसकी प्राइस क्या है मिशाइन? 299 300. अब नेक्स्ट में जाते हैं. नेक्स्ट बहुत ज्यादा है, बहुत यहाँ पे आ गई. और फर्स्ट हम इससे सारे बिल चाह रहे हैं. ओ ये भी लिया है, ये मम्मा ने लिया है कैचर्स, वो भी लेके हैं. बहुत ज्यादा अच्छा है ना मम्मा. दोनों कट्टे दिखाओ ना, पिंक वाला. हाँ जी पिंक, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके स्टार्स में. और देखे ना ये दो हमारे हो गए. अब हम चलते हैं पॉल का डॉटेड है. हाँ जी. और ये भी वेरी चीप प्राइसेस इन 125 रुपीस में ना. और ये देखें ब्यूटीफुल अमेजिंग गाइस. और नेक्स्ट हम स्क्रंचीज से स्टार्ट कर रहे हैं. दीज आर द पोनीज, ये देखें. नो नॉट पोनीज, दीज आर द स्क्रंचीज. हाउ कम दीज आर द स्क्रंचीज? आई बेट यू गाइस आप कमेंट्स में बताएं. ये है मेरी मशाइम की, माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्रेस के साथ मैचिंग मैचिंग ज्वेलरीज, ये देखे शाइनिंग वाले. और इसमें ये मुझे ऐसी बैंगल्स अच्छी लगती है, इनको हम फेंक ही दे. अच्छा मेरी है सिल्वर, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है ना ये देखें सिल्वर है, ब्यूटीफुल है. मेरा जो ड्रेस है ना वो है व्हाइट कलर का. अच्छा? तो मैंने इसे प्रेफर किया सिल्वर. ये भी वेरी चीप प्राइसेस इन 249 लाइक 250. और नेक्स्ट दिस इज आल्सो वेरी लो प्राइस लाइक यू नो. शायद आपकी महंगी है 400 के यार. आपकी टू है ना. और नेक्स्ट मेरे पास ये देखे टर्किश लोग जो पहनते हैं. टर्किश पीपल यस लुक दिस. एंड नेक्स्ट अच्छा ये बैंड है, हेयर बैंड है मेरा ये. ये इसमें रबर मैं इस टेप को उतार रही हूं. इसकी प्राइस जो थी है 99 रुपीज. माशाल्लाह मेरा है. ये मिशी का है, ये बहुत अच्छा है. मेरे हाथ में जज्बा है. ये थोड़ा महंगा है, इट्स ऑफ 700 रुपीज. अच्छा मैं आपको दिखाती भी हूँ ना, कितना अच्छा लग रहा है यार. पहन के दिखाओ. हाँ माशाल्लाह. अब नेक्स्ट ये मेरे इयररिंग्स हैं. इसे मुझे ऐसे स्टाइलिश बहुत अच्छे लगते हैं. हाँ ये मिशाइम की इयररिंग्स हैं. एंड द प्राइस ऑफ दीज इयररिंग्स 349. और ये मम्मा के एंड मेरे हैं 400 की 399. जी ये थी हमारी आज की वीडियो. और ये सारा ज्वेलरी जो है ना हमने परचेज की है. ये सारे ज्वेलरी जो है ना हमने परचेज की है. ठीक है मशाइमा, मेरी मीन्स हम दोनों की. हाँ जी मशाइमा, मेरे बहुत सारे इयररिंग्स से सारे गुम हो गए. हाँ हमने और भी इयररिंग्स लिए थे और पता नहीं कहाँ चले गए हैं ना. एग्जैक्टली. तो अब क्या करें नेक्स्ट टाइम. ठीक है अब बाय बाय करने का टाइम आ गया. मिशी बोल दो बाय. ये थी हमारी ज्वेलरी चीज वैल्यू से. उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी. अगर अगर हमारी पसंद आई है तो आप जो है चीज वैल्यू से हाँ. ये सारी ज्वेलरी और भी ले सकते हैं, शायद ग्रोसरी के. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. औलाद मेरी प्यारी सी, माशाल्लाह.